हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्च सो आज है डे 126 डेली फार्मा एम सी डोज सीरीज़ का जिसमें हम डेली के 10 एम सी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं एंड uh, ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं तो so, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से सो so, पहला क्वेश्चन है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स इन अल्सर थेरेपी कॉजेज तो अल्सर थेरेपी में कौन से प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का यूज़ किया जाता है तो so, जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होते हैं वो आपके गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को रिड्यूस करते हैं एंड इसमें आपका ड्रग यूज़ होता है मीजोप्रोस्टोलोल ठीक कौन सा ड्रग होता है मीजोप्रोस्टोल गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को रिड्यूस करता है एंड इसके साथ आपको मेजर प्रॉब्लम्स जो देखी जाती हैं ड्रग्स के साथ वो आपकी डायरिया आ जाती है अब ऑप्शन आ जाता है इसमें कंडीशन यूट्राइन ब्लीडिंग एंड इसके अलावा एबडोमिनल क्रैम्प्स ठीक है एबडामिनल क्रैम्प्स सो ये कंडीशन भी इसमें आपकी देखी जाती है सो so, इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी दैट ऑल ऑफ द अबाव आर द कंडीशंस और प्रॉब्लम्स दैट आर ड्यू टू द यूज ऑफ प्रोस्टा इन अल्सर थेरेपी देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट विच इज़ अ थायाजोलीडीन डायोन डेरिवेटिव है, सो कौन सा ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट जो है वो आपका थायाजोलीडीन डायोन डेरिवेटिव है सो so, ये ड्रग आपका कौन सा रहेगा सो दिस ड्रग विल बी पीओग्लिटाजोन सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा सो so, इसमें अदर ड्रग्स की बात करूँ जैसे आपका रेपाग्लिनाइड हो गया सो so, रेपाग्लिनाइड जो है वो आपका मैगलिटीनाइड मैगलिटीनाइड डेरीवेटिव होता है या फिर फिनाइल एलानिन एनालोग कैटेगरी में आता है इट कम्स अंडर फिनाइल एलेनिन एनालोग कैटेगरी और मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स। देन बात करूँ ग्लिपिजाइड की तो so, ग्लिपिजाइड आपका सल्फोनिल यूरिया होता है इट इज़ सल्फोनिल यूरिया ठीक है औरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट ही है एंड सल्फोनिल यूरिया में ये सेकेंड जनरेशन सेकेंड जनरेशन सल्फोनिल यूरिया ड्रग रहता है देन बात करूँ ग्लीमी की सो ग्लीमी इज ऑल्सो सेकेंड जनरेशन सल्फोनल यूरिया ड्रग तो ये आपके डिफरेंट ड्रग्स आते हैं ओरल हाइपोग्लाइसमिक एजेंट की तरह ये यूज़ किए जाते हैं अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी सी जी वैक्सीन इज तो बी सी जी वैक्सीन क्या है सो बी सी जी क्या रहती है बी सी जी की फुल फॉर्म आपकी रहती है वैसील्स ठीक है बी सी जी इज वेसील्स कैलमेटे वेसीलस कैलमेटे ग्वेरिन, सो दिस इज़ बी सी जी वैक्सीन किसके लिए यूज होती है इट इज़ फॉर ट्यूबर ठीक है ट्यूबर के लिए वैक्सीन रहती है ये एंड इट इज़ अ लाइव एटेनड बैक्टीरियल वैक्सीन ठीक है ये होती है आपकी लाइव एटेनड बैक्टीरियल वैक्सीन तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा यहीं पे कुछ अदर कैटेगरीज अगर मैं देखूँ वैक्सीन्स की आ, जैसे कि आपकी आ जाती है किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ठीक है किल्ड वैक्सीन ठीक है किल्ड वैक्सीन रहेगी एंड किल्ड वैक्टीरियल वैक्सीन ठीक है तो इसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे इसमें आपका एक प्लेग की वैक्सीन आ जाती है कॉलेरा की वैक्सीन आ जाती है पर्टूसिस की वैक्सीन ठीक है पर्टूसिस यानी कि वूपिंग कर्फ सो वो आपकी किल्ड वैक्टीरियल वैक्सीन रहती है देन इसके अलावा दो आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी टॉक्सोइड वैक्सीन ठीक है टॉक्सोइड कैटेगरीज में तो so, टॉक्सोइड में आपकी टेटनस की आ जाती है ठीक है टेटनस इट इज अ टॉक्सोइड वैक्सीन एंड डिप्थेरिया एंड डिप्थेरिया सो दिज आर द टेटनस वैक्सीन्स इसके अलावा अगर मैं वायरल वैक्सीन्स की बात करूँ सो वायरल लाइव एटेनेटेड वैक्सीन्स में तो so, इसमें आपका पोलियो औरल वैक्सीन आ जाती है पोलियो औरल वैक्सीन जो कि आपकी सेबीन रहती है ठीक है अगर पोलियो इनएक्टिव सेल्क वैक्सीन की बात करी जाएगी पोलियो सेल्क की सो दैट विल बी किल्ड वैक्सीन ठीक है एंड अगर सेविन की बात करी जाएगी तो दैट विल बी लाइव वायरल वैक्सीन इसके अलावा अदर वायरल लाइव एटेनेटेड वैक्सीन की बात करूँ तो इसमें आपकी मम्प्स एक आ जाएगी मम्प्स वैक्सीन मीजल्स ठीक है मीजल्स एक रहेगी देन रूवेला इसमें रहेगी रूवेला एंड वेरिसेला ठीक है तो ये डिफरेंट वैक्सीन आपकी वायरल लाइव एटोनेटेड वैक्सीन कैटेगरी में रहती हैं अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे सिचुएटेड है सो इट इज़ सिचुएटेड इन लखनऊ कहाँ पे सिचुएटेड है लखनऊ एंड सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो डायरेक्टर होता है सो इट्स डायरेक्टर इज़ द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द ठीक है क्या रहता है एक्स ऑफिशियो मेंबर रहता है ड्रग्स टेक्निकल एडवाइसरी बोर्ड का डी टाइप का एक्स ऑफिशियल मेंबर रहता है यहीं पे कोलकाता की बात करूं तो so, कोलकाता में आपका सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है so, यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपकी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कोलकाता में कसौली की बात करूँ सो so, कसौली में आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ठीक है यहाँ पे क्या है सेंट्रल रिसर्च uh, इंस्टीट्यूट है एंड uh, इज्जत नगर की बात करूं सो so, इज्जत नगर में आपका इंडियन वेटरनरी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यहां पर है सो so, ये आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं इनकी लोकेशन सो so, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट so, क्वेश्चन है अरेसिपियंट अ रिसिप्ट गिवन बाई अ सेलर टू अयर हु हैज़ रिटर्न गुड्स विच कैन बी ऑफसेट अगेंस्ट फ्यूचर परचेजेज ठीक है तो so, यहाँ पे एक रिसिप्ट दी जा रही है कौन दे रहा है सेलर दे रहा है किसको बायर को दे रहा है जिसने कुछ गुड्स जो हैं वापस की हैं सेलर को ठीक है एंड ये रिसिप्ट जो है वो एक ऑफ है अगेंस्ट फ्यूचर परचेजेज ठीक है सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ एक आपका ये सेलर है ठीक है यहाँ पर आपका बायर है इसने बायर ने ठीक है ये आपका बायर है ये आपका सेलर है इसने कुछ गुड्स ली आपके सेलर से मान लो कुछ भी सामान ले लिया सौ रुपये का सामान ले लिया एंड थोड़े टाइम के बाद उसे लगा कि ये मुझे अभी रिक्वायर्ड नहीं है उसने इस गुड्स को इसको रिटर्न कर दिया ठीक है तो अब इन गुड्स के बदले उसने मनी को रिटर्न नहीं किया उसने एक रिसिप्ट दी है एंड ये रिसिप्ट एक प्रूफ है कि जब भी ये पर्सन वायर जो है इन फ्यूचर कोई परचेज़ करेगा इस सेम वेंडर से तो उस केस में वो ये रिसिप्ट दिखा करके सेम अमाउंट का कुछ और सामान जो है वो ले सकता है ठीक है सो ये रिसिप्ट क्या कहलाती है दिस so, रिसिप्ट आपकी कहलाती है क्रेडिट नोट तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक इनमें से मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कौन सा ड्रग नहीं है तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक आपका रहता है अरिथ्रोमाइसिन स्पाइरामाइसिन एंड अजिथ्रोमाइसिन ये सारे आपके कौन से हैं दी जा रहा है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स लेकिन वेनकोमाइसिन जो है वेनकोमाइसिन इज नॉट एन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स ये किस कैटेगरी में आता है तो इट कम्स अंडर ग्लाइकोपेप्टाइड ठीक है इट कम्स अंडर ग्लाइको पैप्टाइड एंटीबायोटिक ठीक है ग्लाइको पैप्टाइड एंटीबायोटिक है वेनकोमाइसिन इसके अलावा कुछ अदर ड्रग्स देख लेते हैं उनकी क्लासेस देख लेते हैं एंटीबायोटिक्स में तो इसमें आपका कीनोलॉन्स एक कैटेगरी आती है जिसमें आपका नेलीडिक्सिक ड्रग आ जाता है नेलीडिक्सिक एसिड ठीक है नॉर्थ फ्लोगजसिन नॉर्थ सो ये सारे ड्रग्स जो हैं वो आपके किस में आते हैं कीनोलॉन्स कैटेगरी में आते हैं देन बात करूँ वीटा लैक्टम कैटेगरी की तो so, वीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आपका पेनिसिलिन आता है ठीक है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था देन आपके सिफेलोस्पोरिन आते हैं सिफेलोस्पोरिन देन आपके मोनोवेक्टम्स आ जाते हैं इसमें मोनोवेक्टम्स एंड कार्वा एंड कार्वा ठीक है ये डिफरेंट ड्रग्स आपके वीटा लेक्टम एंटीबायोटिक्स में रहेंगे देन बात करूँ अमाइनोग्लाइकोसाइड की ठीक है अमाइनो ग्लाइकोसाइट्स ठीक है अमाइनोग्लाइकोसाइड में कौन कौन से ड्रग्स रहेंगे तो इसमें आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन रहेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन विल बी दिया जेंटामाइसिन विल बी दिया एंड एमिका माइसिन विल बी दिया एंड एमिका माइसिन इसके अलावा नियोमाइसिन हो गया तो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके अमाइनोग्लाइकोसाइड तो कैटेगरी में आ रहते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज थी एंटीबायोटिक्स की तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन इज़ प्रेजेंट इन तो मॉर्फिन किस में प्रेजेंट होता है तो मॉर्फिन आपका प्रेजेंट होता है किसमें पापावर सोमनी फेरम में सो तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा अब पापावर सोमनी फेरम की बात करूं सो तो सबसे पहले इसके बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं सो तो बायोलॉजिकल सोर्स इसका रहता है यह आपका ड्राइड लेटेक्स होती है बेसिकली इट इज़ अ ड्राइड लेटेक्स जो कि आपकी ऑप्टेन होती है पापावर सोमनीफेरा के जो आपके अनराइट कैप्सूल्स होते हैं ठीक है अनराइट कैप्सूल पार्ट जो रहता है उन पे अगर इंसीजन लगाई जाएगी ठीक है इंसीजन लगाने पे जो भी लेटेक्स ऑप्टेन होगी उसका ड्राइड पार्ट जो है वो आपका यूज़ होता है एज अ पापावर सोमनीफेरम एंड इसकी फैमिली क्या है फैमिली इज पापा ठीक है पापा, पापा की फैमिली रहती है केमिकल कंस्टेंट्स की बात करूँ ठीक है केमिकल कंस्टेंट्स की तो इसमें जो अल्कोलॉड्स होते हैं वो आपके मेनली दो कैटेगरी के होते हैं एक कैटेगरी आपकी आती है वनजाइल आइसोक्यूनोलिन ठीक है एक कैटेगरी आपकी आती है वनजाइल आइसोकिनोलिन दूसरी आपकी आती है फिनेंथ्रीन ठीक है फिनेंथ्रीन कैटेगरी ठीक है सो फिनेंथ्रीन अल्कोलॉड्स एंड वनजाइल आइसोकिनोलिन अल्कोलॉइड्स सो वेंजाइल आइसोकिनोलिन में कौन कौन से आते हैं तो so, इसमें आपका नार्कोटीन आ जाएगा ठीक है नार्कोटीन आ जाएगा नार्सिन आ जाएगा ठीक है नार्सिन इसमें रहेगा एंड पापावरिन इसमें रहेगा एंड पापावरिन तो ये ड्रग्स रहेंगे जबकि फिनेंथ्रीन कैटेगरी में आपके कौन से रहेंगे तो इसमें आपका एक मॉर्फिन ड्रग रहेगा देन एक कोडीन ड्रग रहेगा कोडीन के बाद इसमें आपका थिवेन ड्रग रहेगा सो ये डिफरेंट ड्रग्स इसमें आपके आ रहेंगे सो ये बेसिकली आपके ओपीएम अल्कोलोड्स रहते हैं एंड ओपीएम अल्कोलोइ्स का हमने क्वेश्चन पहले भी देखा था सो ओपीएम अल्कोलोइ्स जो हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं एज अ सॉल्ट ऑफ मिकॉनिक एसिड ठीक है एज अ सॉल्ट ऑफ मिकॉनिक एसिड आपका ओपीएम अल्कोलोइ जो है वो प्रेजेंट होता है यहीं पे इसके यूजेज की बात करूं तो जो आपका मॉर्फिन है मॉर्फिन आपका यूज़ होता है एनलजेसिक ठीक है एनलजेसिक यूज़ होता है दूसरा जो आपका एक केमिकल कंस्टेंट कोडीन है वो आपका यूज़ होता है एज एन एंटीटासड एज एन एंटी टस्टिव जो है वो ये यूज़ किया जाता है इसके अलावा हिपनोटिक्सटिव एनर्जी ये इसके डिफरेंट यूजेस रहते हैं देन नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्प्यूल्स इन अ डाई बाथ इज फॉर सो एम्प्यूल्स की ऑटोक्लेविंग एक डाई बाथ में आ, किसके लिए की जाती है सो so, ये आपकी की जाती है लीक टेस्टिंग में ठीक है जो आपके पेरेंटल प्रोडक्ट्स रहते हैं जो भी आपके पेरेंटल प्रोडक्ट्स रहते हैं तो पेरेंटल प्रोडक्ट्स के डिफरेंट आपके इवेल्यूशन टेस्ट रहते हैं उसमें एक टेस्ट आपका रहता है लीक टेस्ट ठीक है बाकी टेस्ट आपके क्लैरिटी टेस्ट रहता है पायरोजन टेस्ट टर्लिटी टेस्ट तो इसमें लीक टेस्टिंग जो है वो आपकी एम एम्प्यूल्स के लिए की जाती है ठीक है इसके बारे में देख लेते हैं लीक टेस्टिंग के बारे में तो लीक टेस्ट को पैकेजिंग इंटीग्रिटी टेस्ट भी कहा जाता है ठीक है इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैकेजिंग इंटीग्रिटी ठीक है पैकेजिंग इंटीग्रिटी टेस्ट ये से कहा जाता है एंड ये आपका सिर्फ और सिर्फ एमप्यूल्स के लिए ही होता है ठीक है लीक टेस्टिंग इज़ ओनली फॉर एम्प्यूल्स इसमें जो भी आपकी वायल्स हैं या फिर बॉटल्स हैं इनके लिए आपका लीक टेस्टिंग जो है वो नहीं रहता है ठीक है ओनली एंड ओनली फॉर एमप्यूल्स लीक टेस्टिंग में एक डाई यूज़ की जाती है उस डाई का नाम आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है डाई इज़ मिथाइलिन ब्लू डाई ठीक है मिथाइलिन ब्लू डाई इसमें यूज़ की जाती है एंड वैक्यूम का इसमें यूज़ किया जाता है मिथाललिन ब्लू डाई कितनी होती है वन परसेंट मिथाइलिन ब्लू डाई होती है वैक्यूम इसमें यूज़ किया जाता है जो भी हमारे डिफेक्टिव एम्प्यूल्स रहेंगे ठीक है कौन से डिफेक्टिव एम्प्यूल्स जो भी रहेंगे वो आपके ब्लू कलर के हो जाएंगे उससे हमें आइडेंटिफिकेशन लगेगी ये हमारा जो एम्प्यूल है वो लीक कर रहा है ठीक है so, तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी कैंसर ड्रग्स किल कैंसर सेल्स बाय जो भी आपके एंटी कैंसर सेल्स होते हैं वो आपके कैंसर सेल्स को कैसे किल करते हैं सो एंटी कैंसर ड्रग्स आपके कैंसर को किल करते हैं कैंसर सेल्स को बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ठीक है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से ये किल करते हैं तो so, इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है तो जो भी आपके एंटी कैंसर सेल्स या फिर साइटोटॉक्सिक सेल्स जो हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं ये आपके आइदर साइ सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक होते हैं ठीक है सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक होंगे ठीक है या फिर सेल साइकिल स्पेसिफिक रहेंगे ठीक है इन दो ही मेन कैटेगरी में आपके साइकोटॉक्सिक ड्रग्स जो हैं वो आपका एक्शन जो है वो, वो प्रोड्यूस करेंगे अब इसमें जो आपके नॉन स्पेसिफिक आते हैं ठीक है सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक जो कि आपके रेस्टिंग एज वेल एज डिवाइडिंग सेल्स दोनों को किल करते हैं ठीक है नॉन स्पेसिफिक आपके रेस्टिंग एंड डिवाइडिंग दोनों टाइप के सेल्स को किल कर देंगे इसमें आपके कौन कौन से ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं तो इसमें आपका साइक्लोफोस्फामाइड हो गया ठीक है साइक्लोफोसफामाइड हो गया क्लोरम व्यूसिल हो गया क्लोरम व्यूसिल कारमस्टिन ड कार्बाजीन एल एस्पेराजीन से तो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक रहते हैं दूसरे आपके कौन से रहेंगे दूसरे आपके रहेंगे सेल साइकिल स्पेसिफिक दूसरे कौन से रहेंगे दूसरे विल बी सेल साइकिल स्पेसिफिक ठीक है सेल साइकिल स्पेसिफिक जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके डिवाइडिंग सेल्स को ही किल करेंगे जो आपके एक्टिवली सेल्स डिवाइड हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं को किल करेंगे ठीक है एंड uh, इनकी टॉक्सिसिटी जो है वो जनरली एस फेज में एक्सप्रेस होती है ठीक है तो सेल साइकिल स्पेसिफिक मीन्स डिवाइडिंग सेल्स होंगे तो सेल कहाँ पे डिवाइड करता है किस फेज़ में तो so, सेल आपका जीवन फेज में एस फेज में जी टू फेज़ में एंड एम फेज़ में आपका रहेगा ठीक है हर एक फेज़ में अलग अलग ड्रग जो है वो आपका एक्ट करता है लाइक जीवन फेज़ की बात करूँ तो इसमें आपका बिन ब्लास्टिंग रहेगा एस फेज में आपका मीथोट्रेगजेट रहेगा सीता राविन रहेगा फ्लूडा राविन रहेगा सिक्स मॉर्केप्टोप्यूरिन फाइव फ्लोरो यूरासिन तो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके सिंथेसिस फेज़ में किल करेंगे डिवाइडिंग सेल्स को जी टू फेज़ की बात करूँ सो जी टू फेज में आपका डाउनोरूविसिन आपका एक्ट करेगा ब्लियोमाइसिन इटोपोसाइड टोपोटोकैन सो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके रहेंगे जबकि एम फेज में आपका विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन पेक्लीट एक्सल डोसिट ये डिफरेंट ड्रग्स आपके एम फेज में एक्ट करेंगे सो ये आपके डिफरेंट ड्रग्स हैं डिफरेंट सेल uh, साइकिल के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो एक्ट करते हैं तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डोपामाइन इज डिग्रेडेड बाय सो डोपामाइन की डिग्रेडेशन कौन करता है तो so, डोपामाइन की डिग्रेडेशन आपकी माओ एंजाइम के थ्रू की जाती है ठीक है कौन सा माओ एंजाइम सो so, माओ में आपकी दो आइसोफॉर्म्स आइसोफाम्स रहती हैं माओ ए एंड माओ बी तो so, ये दोनों आइसोफॉर्म्स जो हैं माओ एंजाइम की वो दोनों के दोनों आपके डिग्रेड कर देती हैं डोपामाइन को सो so, इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं माओ के बारे में माओ एंजाइम क्या है तो माओ एक माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है इट इज़ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम एंड माओ होता क्या है इट इज़ मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज ठीक है ये आपका रहता है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज ठीक है ये आपका माओ एंजाइम रहता है माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है जो भी आपके बायोजेनिक अमाइंस रहते हैं ठीक है बायोजेनिक अमाइंस जो भी रहेंगे जैसे एडनोलिन नॉर एडनोलिन डोपामाइन सो so, ये डिफरेंट बायोजेनिक अमाइंस की ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में आपका इन्वॉल्व कौन सा एनजाइम रहता है इट इज़ माओ एनजाइम इसकी मेनली दो आइसोफॉर्म्स रहती हैं ठीक है एक आपकी रहती है माओ ए जो कि आपकी सिंप्लीफाइव एच टी को डीएमिनेट करेगी या फिर नॉर एडन को डीएमिनेट करेगी एंड ये एनजाइम इनहिबिट किससे होता है सो इट इज़ इनहिबिटेड बाय क्लोरगाइलिन ठीक है क्लोरगाइलिन इसको इनहिबिट करता है एंड मोक्लोवेमाइड एंड मोक्लोवेमाइड ये दो ड्रग आपको याद रखने हैं तीसरा इनहिबिटर्स ऑफ माओ ए एंजाइम जबकि माओ वी एंजाइम की बात करूँ तो माओ वी जो है वो आपका फिनाइल इथाइल अमाइन को डीएमिनेट करता है किसको फिनाइल इथाइल अमाइन ठीक है फिनाइल इथाइल अमाइन को डीएमिनेट करता है एंड माओ बी का इनहिबिटर कौन सा रहता है सो इनहिबिटर विल बी सेलेजिलिन ठीक है सेलेजिलिन इसका इन्नीवेटर रहता है ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे डोपामाइन दोनों को डिग्रेड करता है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट तो यहाँ पे हमारे आज के टेन क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच